लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कहानी शायद उतनी ही पुरानी है जितने ये पहाड़ और ये वादियां। सैकड़ों साल पहले यहां एक भील राजा हर्षवर्धन का राज था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में राजा के सामने धरती में से प्रकट हो गए। गदगद होकर राजा ने उस शिवलिंग को साष्टांग प्रणाम किया और अपना सारा खजाना लगाकर वहां सोने का एक शिव मंदिर बना दिया। सदियां बीत गईं, राजा इस दुनिया से चला गया, मगर सोने के शिव मंदिर की पूजा की परंपरा चलती रही। कुछ लालची लोगों ने उस मंदिर को ढूंढने और सोना हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को उस मंदिर का पता नहीं चला। मगर लोग कहते हैं वो सोने का मंदिर आज भी यहीं कहीं है और आज भी हर महाशिवरात्रि को वहां पूजा होती है। और अब उस मंदिर का रास्ता सिर्फ एक आदमी जानता है। ओम नमः शिवाय। शंभो 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 शंभो। हे भगवान, एक मैं ही हूं जो तेरे सोने के मंदिर का रास्ता जानता हूं, मगर अब मेरी आयु मेरा साथ नहीं दे रही और मेरे सगे संबंधी उस मंदिर के लिए मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। वो अपने गंदे विचारों में सफल न हो सके इसलिए उस मंदिर के रास्ते का यह नक्शा मैं तेरे सामने जला रहा हूं। ओम नमः शिवाय। लगता है दादाजी इस तरफ नहीं आए। ये क्या चल रहा है? ये तो कोई नक्शा लगता है। जरूर उस सोने के मंदिर का होगा, बुझा दो इसे। ठीक है। ये तो पूरा ही जल गया। दादाजी ने इसे जानबूझकर जलाया ताकि मंदिर तक कोई पहुंच ना सके। लेकिन हम तो दादा तक पहुंच ही सकते हैं, उन्हें तो रास्ता मालूम ही है। और हम उनसे रास्ता जानकर ही रहेंगे, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो। दादाजी तो यहां भी नहीं है। विश्वा, तुम तो दादाजी तुम्हें चकमा दे गए। लगता है अब तुम्हें सोने का मंदिर कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं एक न एक दिन दादाजी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। और तुम तो जानती हो रेशमा, मैं ही उनका अकेला वारिस हूं। खाली वारिस। लगता है अब मुझे इस मेडल वाले को ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं रेशमा, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैं तो सिर्फ उससे प्यार करूंगी जो मुझे सोने से ढाप दे, सोने से लाद दे। अगर मुझे पाना है शेरा तो दादाजी को ढूंढो, दादाजी को। ऐसा ना हो जाए कि दादाजी सोना सिंह के हाथ लग जाए और सोने के मंदिर का पता वो खुद ले जाए। सोना सिंह? हाँ, वो भी सोने के मंदिर के पीछे है। नहीं, दादाजी को मैं ढूंढूंगा, सिर्फ मैं। Oh, 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 oh
हो तुम? सोना, सोना सिंह। अकेला नहीं हूं, दो भाई भी हैं मेरे। हीरा, मोती। मुझसे क्या चाहिए? सोने का मंदिर, जिसका रास्ता सिर्फ तुम ही जानते हो, और हमें वहां पहुंचना है। मन में पाप लेकर वहां कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसा क्या? सोना सिंह जरूर पहुंचेगा और तुम्हें साथ लेकर पहुंचेगा। पहुंचोगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा। वहां की किसी भी चीज को हाथ लगाओगे तो जलजला आ जाएगा। जलजला? क्यों आ जाएगा जलजला? हमारे हाथों में इतनी ताकत है क्या? बेशक, बहुत ताकत है। ताकत? ताकत तो उस शिवलिंग में है जो सैकड़ों साल पहले वहां धरती में से प्रकट हुआ था। वही उस मंदिर की रक्षा करता है। रक्षक के भक्षक बनना ही तो हमारी जिंदगी है। चलो, हमें वहां लेकर चलो। नहीं, कभी नहीं। मैं तुझे जिंदा कर दूंगा बुट्ठी। सोना सिंह, तब एक नहीं दो खुदेगी। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना दूसरी कब्र में तेरी लाश दफन कर दूंगा। सोना सिंह की लाश बहुत कीमती है इंस्पेक्टर, तुझसे नहीं संभाली जाएगी। भुंडा नहीं सबको। सोना सिंह को पकड़ने आए, कम से कम जीप तो बड़ी लाते। ले जाए इसे। साहब,
जंगल के अंदर हमें ये आदमी मिला। कौन है बाबा? ये खून बहुत खून बह रहा है, इन्हें हमारे घर ले जाओ, राधा से कहना इनकी देखभाल करें। जी सर। जगी जाओ। मत फाड़ इंस्पेक्टर, फिर से लगाना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मेरे सर का इनाम बढ़ जाएगा और तेरे कानून की बदनामी। कैसी तबीयत है बाबा? जिस घर में तुम जैसी सुशील, गुणवान और सेवा भावी पतिव्रता स्त्री हो, उस घर में दुख तक कैसे रह सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटी। अरे ये क्या हुआ बेटी? बेटी अब ठीक लग रहा है ना बेटी? ठीक हूँ बाबा। आपको चोट लगी थी, आप खड़े हैं और आप लेटी हैं, बात क्या है? कुछ नहीं, चक्कर सा आ गया था। तुम लेटी रहो बेटी, वो खुशखबरी मैं सुनाता हूँ। खुशखबरी? हाँ, तुम पिता बनने वाले हो। पिता बनने वाला हूँ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं राधा? सुबह डॉक्टर के पास गई थी ना, तब उन्होंने बताया था। डॉक्टरों से ज्यादा अब तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, ज्यादा कामकाज मत करने देना। जी बिल्कुल नहीं, अब काम का सवाल ही रहा है, अब तो मैं चपाती मैं खुद बनाऊंगा, इसे मैं आराम से रखूंगा। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। नहीं बाबा, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? आपका जख्म ठीक नहीं और आप जाना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ, जरा सी चोट लगी थी, राधा बेटी ने पट्टी कर दी। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। एक बोतल विस्की। एक बोतल विस्की? अच्छा, एक बोतल विस्की, एक विस्की, एक ग्लास। इस आदमी को कहीं देखा है? ए छोकरा, ये ले। तू साला गरीब का गरीब ही रहेगा। अरे अमीर बनना है ना तो पैसे को गर्दन से पकड़ना सीख। ये ले फिर ले। सिक्का उसके हाथ में दे। ये ले। मैंने कहा सिक्का उसके हाथ में दे। आखिरी बार फेंक रहा हूं, ले पकड़। इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं। याद करने की कोशिश करो। याद नहीं आ रहा। तुम तो देख चुके हो कि मुझे सिक्के उड़ाने का बहुत ही शौक है। अरे मेरे बाप, अरे क्यों मुझे मारना चाहता है?
अरे मुझे अपने माँ बाप भाई बहन सबकी कसम, मैंने आज तक इस लड़की को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मिस्टर बेनाम, ये रहा आपका इनाम 5,000, गिन लीजिए। बिल्कुल ठीक। मेरे इलाके में ये तीसरा इश्तिहारी मुजरिम है जो तुमने पकड़वाया है। मिस्टर बेनाम, हुकूमत की मदद करने का इतना शौक है तो पुलिस की नौकरी क्यों नहीं कर लेती? मेरी तलाश मुझे नौकरी करने की इजाजत नहीं देती इंस्पेक्टर साहब। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। ए बेनाम, अरे काहे को छोटे छोटे छछुंदर को पकड़ता फिरता है? किसी दिन मुझ जैसे शेर को पकड़ कर देख, उसके नाखून भी बिक जाएंगे। मैं असली शेरों को पकड़ता हूं जो जंगल में आजाद घूमते हैं, सर्कस में बंद लंगूरों को नहीं। ऐसा क्या? अरे तू क्या समझता है कि मैं जिंदगी भर यहीं पड़ा रहूंगा? 8 दिन से ज्यादा तो मुझे किसी भी जेल ने नहीं संभाला, और फिर ये तो सिर्फ हवालात है। फिर तू भाग फटाफट, और मैं पकड़ता हूं तुझे फटाफट। अबे सोना सिंह, तेरी ये सोने की बतीसी निकाल दूंगा। ये इंस्पेक्टर शिव की हवालात है जो मुजरिम को आखिरी नींद तक संभालती है। ऐसा क्या? शायद तुमको नहीं मालूम इंस्पेक्टर, सोना सिंह को नींद में भी जागने की आदत है, और जागने में भागने की। देख लूंगा। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए भाई? मिस्टर तूफान मेल, तू घोड़ा है या बेवड़ा है? एक दिन नहीं पिएगा तो मर जाएगा क्या? अच्छा भाई, लाता हूं लाता हूं। आइए, किसकी रही है और किसकी रहेगी? ये जिसकी रही है उसकी रहेगी। साथ में एक बोतल रम भी देना। रम फॉर मिठाई गम। ठहरो बादशाह, 60 रुपए कीमत तो देते जाओ इसकी। 60 रुपए? भाई इतने पैसे तो है नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। गरीब? गरीब हो तो विस्की क्यों पीते हो? देसी पियो देसी। रुकिए रुकिए, याद आया, है मेरे पास। एक मिनट। बादशाह, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ऐसे गरीब हैं? आपने ले जाइए, आप जैसों की मदद करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। चाहिए, आप चाहिए। तूफान साहब, दारू का इंतजाम तो हो गया, अब खाने के लिए किसी का घर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है और बंदूक में गोली भी नहीं। क्या समझे? और अगर रास्ते में अपने मतलब की जगह कोई मिले तो इशारा कर देना। चल भाई तूफान मेल। Thank you.
मुश्किल है आदिली है, तब किस पे सरकार आ जाएगा। सबसे कीमती चीज मेरे पास यही है रेशमा, जानती हो यह मेडल मुझे लड़ाई के मैदान में मेरी बहादुरी के लिए मिला था। जैसे भी मिला था मुझे यही प्यार चाहिए, ढेर सारा प्यार, यहां यहां। मैं तुम्हारे जिस्म के हर अंग को अपनी मोहब्बत के सोने से सजा दूंगा। बचपन से मैं एक ही सपना देखती आ रही हूं शंकर, मेरी शादी हो रही है, सर से पांव तक मैं जेवरों से सजी बैठी हूं। मेरा दुल्हन मेरे कान में कहता है, ए सोने की दुल्हन, सोने की दुल्हन, कितना अच्छा लगता है ना। तुम मेरा यह सपना पूरा कर दो शंकर,
इतना सोना पहना दो मुझे कि मैं सोने में गुम हो जाओ। नहीं रेशमा, मुझे वो सोना नहीं चाहिए जिसमें मेरी रेशमा गुम हो जाए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें पाना चाहता हूं। मगर मेरे सपने? गरीब सपने जरूर सजा सकता है मगर उसे पूरा नहीं कर सकता। मेरे पास तो अभी रहने के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है, इसीलिए मुझे लड़ाई पे जाने से पहले अपनी जान से प्यारी बहन को अपने चाचा के घर छोड़ना पड़ा। और कल मुझे किसी झोपड़ी में छोड़कर चले जाओगे? रेशमा, मुझे झोपड़ी में पलने वाली गरीब मोहब्बत नहीं चाहिए। भूखे प्यार से मुझे सख्त नफरत है। मुझे राजमहल की जिंदगी चाहिए और किसी ताजमहल की मौत जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। एक बात याद रखना रेशमा, मोहब्बत के लिए महलों की नहीं दिलों की जरूरत होती है। चोर हूं और यहां चोरी करने आया था, लेकिन आप ये चोरी चोरी मरने की कोशिश क्यों कर रही है? मैं जीना नहीं चाहती। हाँ? लेकिन क्यों? मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या तुम मेरी भागने में मदद कर सकते हो? जी मैं? मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम जल्दी से माल ले लो। माल? हाँ वही, रुपया पैसा जेवर। लेकिन जेवर तो कल सुबह मुझे शादी के वक्त पहनाए जाएंगे। ओहो, अच्छा एक काम करते, आज रात को मैं यही सो जाता हूँ। हाँ? और हम दोनों कल सुबह माल लेके भाग जाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, अभी तुम जाओ, कल सुबह भारत आने के पहले आ जाओ। मेरी बात सुनो। जाओ ना, जाओ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे दो दिलों का, दो घरों का मिलन हो रहा है और आप लोग बिछड़ने की धुन बजा रहे हो। अरे खुशी के गीत बजाओ, खुशी की धुन बजाओ। आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे... तेरे के अंदर मुकद्दर का सिकंदर। आओ आओ मेरे लाल, मेरी आखिरी जवानी की पहली चाल। अरे बुढ़ऊ, अब तुम्हारी चाल खत्म हो गई, अब मैं चलूंगा शतरंजी चाल, चाल पे चाल। मगर वो शतरंजी कहाँ है? अरे वो ही लेने जा रहे हैं बेटे। तो चलो ना। घोड़ी कहाँ? घोड़ी कहाँ है? अजी लो जी, घोड़ी आ गई। आ गई घोड़ी आपकी? चल जा बेटे, चल जाऊं। अरे रुको, बाबू, 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 बाबू,
बाबू कुत्ता पीछे। अरे शतरंज जी गई, घोड़े की मुंडी कहाँ गई? अरे नहीं मुंडी की पूछ है। मैं तैयार हूँ। शादी की सोच रहा था। तुम्हें जेवर चाहिए या नहीं? हाँ हाँ लाओ लाओ। अभी नहीं, यहाँ से निकलने के बाद। ठीक है चलो कम ऑन। चलो हाथ उधर हाथ उधर। ले जाएंगे ले जाएंगे, दुनिया को पका कर ले जाएंगे। अच्छा आए तूफान में। चलो ऊपर चलो जल्दी जल्दी। कहाँ जा रही है तू? तू उसे देवी माँ के मंदिर में ले जा, मैं अभी आता हूँ। कमांड कमांड। अरे देखो भाई, पारो भाग गई। अरे पारो भाग गई, दुल्हन भाग गई तुम्हारी। पारो भाग गई बाबूजी। अरे क्या हुआ, कैसे भाग गई, कहाँ भाग गई? वो देखिए जा रही सामने, वो देखिए सीढ़ी से उतरी, घोड़े पे चढ़ी और या करके जुप निकल गई। क्या हुआ? हमारा दूल्हा भाग गया। हमारी दुल्हन भी भाग गई। क्या कह रहे हैं आप? सुनिए सुनिए, कमरे में जेवर नहीं है। क्या कहा? हमारी खानदानी जेवर भी चुरा कर ले गई। बापू बापू बाजा बजवाया था ना, राजा की आएगी बारात, राजा का बाजा बज गया। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सब बंतु हो रहा है। बंतु? हाँ बंतु, वो घोड़ा मुझे तालाब में फेंक के चला गया। हम क्या होगा बापू? घोड़ा फिर घोड़ा, अरे चने के झाड़ पे चढ़ जाऊंगा मगर घोड़े पे नहीं चढ़ूंगा, मुझे फिर नहीं नहाना है। अरे हाय बैठ जा घोड़े पे। बैठता हूँ। अरे शादी मेरी हो रही है और तिलक घोड़े को लगा रहे हो? इधर आ। ये सब क्या हो रहा है? तू जग रहा है कि सो रहा है? बेटा तुम्हारी दुल्हन हमारे खानदानी जेवर लेकर भाग गई है। जेवर लेकर भाग गई? वो जेवर तुम्हें वापस लाने हैं बेटा, नहीं तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। इतनी कठोर है हमारी खानदानी रीत? हाँ बेटा, ये लो तलवार और ले आओ हमारे खानदानी जेवर। कसम है मुझे खानदानी रीति रिवाज की, जाऊंगा और मैं जेवर लाऊंगा। बापू मैं इन मोती जैसे आंसुओं को अपने माथे पे लगा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं लाऊंगा जेवर लाऊंगा। भाई साहब लड़के कहाँ है? अबे नहीं मालूम के बच्चे, जानता है वो कौन थी? जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ और वो भी भाग गई सिर्फ तेरी बेवकूफी की वजह से। हाँ ये दोस्ती है तेरी? अब रोता कर को है, कहना मत रो नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। सर बड़ी मुश्किल से सोना सिंह को पकड़ा है। तुम्हें उसका इनाम मिल जाएगा। मुझे इनाम की फिक्र नहीं है सर, मुझे फिक्र सोना सिंह की है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह सर कि रास्ता लंबा और सुनसान है, बेहतर होगा अगर आप मुझे साथ ले चलें। तुम क्या समझते हो, इतनी सारी पुलिस बेकार है, नाकारा है, इनकी गोलियों में बारूद नहीं है, ये सब अनाड़ी भर्ती किए हुए हैं। सॉरी सर, मैं तो इसलिए कह रहा था कि सोना सिंह नहायत ही खतरनाक मुजरिम है। मिस्टर शिव कुमार, तुम अपने आप को ज्यादा अक्लमंद और बहादुर समझने की कोशिश मत करो। सोना सिंह की हम जिम्मेदारी लेके आए हैं,
और वो हमारे साथ जाएगा। यस सर। इंस्पेक्टर, तुम सिर्फ कानून के सिपाही हो, कानून नहीं। तुम मुझे गिरफ्तार तो कर सकते हो मगर सजा नहीं दे सकते। जिस दिन मैंने तुझे गिरफ्तार कर लिया ना, उस दिन कानून भी मेरा होगा और सजा भी मेरी। नो शिव कुमार, ले जाओ इसे। इंतजार करना इंस्पेक्टर, बहुत जल्द मिलूंगा तुमसे। बजाओ।
इतनी सारी बैलगाड़ियां और बैलगाड़ियों में चारा है, लगता है जीप में पेट्रोल खत्म हो गया है। सिपाही लगता है दारू पी होगी, नहीं पुलिस दारू नहीं पीती है। तबाही तबाही में सिपाही गड्ढे के अंदर। आ रहा हूं। नमस्ते 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 हवलदार साहब। कैसा, मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। हवलदार साहब उठिए, मुझे रबट लिखवानी है। करवट ले ली, लगता है पेट में दर्द है, कब्ज, हवा बान, इशारा उस तरफ को है, अपनी ड्यूटी उसको दे दी। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हेलो रामपुर पुलिस स्टेशन, हेलो रामपुर पुलिस स्टेशन। हाँ, पुलिस स्टेशन। मैं डीएसपी नाथ बोल रहा हूँ। डाकू सोना सिंह भाग गया है। भाग गया नहीं, भाग गई है। और से सोना सिंह मत कहो, जेवर सिंह कहो, डाकू जेवर सिंह। क्या? दरअसल वो मेरी होने वाली बीवी है। बीवी? शादी होने से पहले ही शादी के जेवर लेके भाग गई। जिंदा पुलिस साहब, मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ। आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, अपना ये ले लीजिए रेडियो, आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरी बीवी दे दीजिए। नहीं रिपोर्ट में है। बेवकूफ, तुझे ये पुलिस स्टेशन नजर आ रहा है जो रिपोर्ट लिखाने चला आया? जाओ दफा उधर यहाँ से। हेलो, इतनी सारी पुलिस यहाँ पर है और आप कहते हैं कि पुलिस स्टेशन नहीं है? नहीं, हेलो, ये हेलो बस स्टेशन भी नहीं है, रेलवे स्टेशन भी नहीं है, तो पुलिस स्टेशन कहाँ है? जहन्नुम में। तेरी तो जहन्नुम, जहन्नुम पूरी हो या भेलपुरी भी, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, तो कर दूंगा तेरे। अभी खबर मिली है, कल रात 11 बजे गंगापुर स्टेशन से एक रेलगाड़ी गुजर रही है जिसमें लाखों का सोना है। बहुत ही, मैंने लाखों का हिसाब रखना छोड़ दिया है, चिल्लड़ मुझे पसंद नहीं, अब तो मेरी सोच में सिर्फ सोना ही सोना है, और उसे हासिल करने के लिए मुझे वो शिव मंदिर चाहिए। और उस शिव मंदिर का पता सिर्फ उदय सिंह को है, और उदय सिंह का पता पुलिस इंस्पेक्टर शिव कुमार को है, और शिव कुमार का पता हम सबको मालूम है। दारिंग, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। क्या खाओगी? जी मेरा मन मत ला रहा है, कुछ खट्टा खाने को जी चाहता है। बेशरम कहीं के, किससे देते? अभी लाती हूँ। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? चाल राधा, यार
क्यों इंस्पेक्टर? ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया मैंने, कहाँ है उदय सिंह? मुझे नहीं मालूम। कौन उदय सिंह, बता दीजिए ना वो कहाँ है? राधा मैं नहीं जानता वो कौन था, और फिर तुम्हारे सामने तो घर से गया है वो। कौन? बाबा? वो हमें बताकर नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। तुझे भी नहीं बताया? सोना सिंह! ऐसा क्या, अब इतने ही जोर से उदय सिंह का पता भी बता दो। मैं कह चुका हूं मुझे नहीं मालूम। मालूम है तुझे, तुझे सब मालूम है, लेकिन तू बताना नहीं चाहता। तू सोने के मंदिर तक अकेले पहुंचना चाहता है, लेकिन मैं तुझे पहुंचने नहीं दूंगा। वो सोने का मंदिर मेरा है, सोना सिंह का है। आप वो मंदिर भी ले लीजिए और हमारे पास जो सोना है वो भी ले लीजिए। ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र। नहीं राधा। हाथी के मुंह में चना, इससे ज्यादा सोना तो हमारे दांतों में है। सोना सिंह! नहीं रहा, अभी नहीं। इंस्पेक्टर, आखिरी बार पूछता हूं मैं, बता दे वरना तेरी बीवी जान से जाएगी। नहीं नहीं सोना सिंह, राधा को कुछ मत कहो। मैं सच कहता हूं हम उदय सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते। छोड़ दे राधा को, मेरी राधा को छोड़ दे। छोड़ दूं? राधा, राधा, छोड़ दो आराम साधो। सोना सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी मौत मेरे हाथ से लिखी है। वो मौका तेरे नसीब में नहीं लिखा है। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, जब तुम मेरे हाथों पकड़े जाओगे तो कानून भी मेरा होगा, सजा भी मेरी। हीरा मोती, इस हराम जादे को घोड़े के पीछे बांध कर तब तक घसीटते रहो जब तक ये उदय सिंह का पता ना बता दे। कुछ भगा के नहीं, इस पेड़ के साथ में साठ बोर्ड दो साले का। जाओ इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजी शुक्रिया किस बात का इंस्पेक्टर साहब, हम तो पैदा ही हुए कानून की मदद करने के लिए। आप कहें तो आपका घर पहुंचा दूं फटाफट। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। Thank you.
कभी कभी भगवान भी निर्दयी बन जाता है। बेचारी माँ बनने वाली थी। शिव कुमार, बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन कानून सोना सिंह को नहीं छोड़ेगा। उससे क्या होगा, मेरी बीवी जिंदा हो जाएगी। मेरी राधा की जान आपकी वजह से गई है, आप मेरी बीवी का कातिल हैं। ये क्या कर रहे हो शिव, क्या कह रहे हो तुम? छोड़ो शिव कुमार, इन्हें छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना कि सोना सिंह भाग जाएगा। क्या कर लिया तुमने और तुम्हारी पुलिस ने? कहां गए तुम्हारे वो ट्रेंड सिपाही? क्या हो गया तुम्हारी गोली के बारूद को? शिव कुमार, आज मेरी राधा मर गई, क्या कर लिया तुमने? ये क्या कह रहे हो शिव कुमार, ये तुम्हारे ऑफिसर हैं। लानत है ऐसे ऑफिसर पर, लानत है ऐसी नौकरी पर। नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपको तो पता होगा हुजूर, सोना सिंह जेल से भाग गया। हाँ। हुजूर, लेकिन कहीं उसे ये पता चल गया कि उसको पकड़वाने के लिए मैंने आपको खबर दी थी, तो मुझे तो क्या पूरे गंगापुर को आग लगा देगा। अब सोना सिंह जिंदा नहीं बचेगा मुखिया, क्योंकि कल मैं गंगापुर पहुंच रहा हूं। मंगलो। नमस्ते साहब। इसकी एक गोली बना दो। सोने की गोली? हाँ, सोने की गोली, सोना सिंह के लिए। इसके बाद नहीं मिलेगी, होटल 10 बजे बंद हो जाता है। जहाँ हम बैठ के पीते हैं वहाँ कुछ बंद नहीं होता, ना होटल ना शराब। पहले तो हम जी भर कर पियेंगे और फिर पेट भर कर खाएंगे। खाना खत्म हो गया है। टॉनी, तेरा क्या होगा? टॉनी कभी भूखा नहीं सो सकता। आज रात मेरा खाना यही है। ए, बकवास बंद, बिल के पैसे भरो और रास्ता पकड़ो, 10 बज चुके हैं। आप कितने बजे हैं? 8। लव होटल? कभी नहीं। कभी कैसे नहीं? ये ले बालू। लड़की की बात तुम लोगों की समझ में नहीं आई, मैं समझा दूं? कितना मिला कुत्ते का? 140। फर्नीचर की तोड़ फोड़ मिलाकर 260। देता हूं भाई, देता हूं, ये लो। ऐ, घड़ी ठीक करो। पांच मिनट और तुम्हारी पिटाई के। पैसे। शुक्रिया। That's all right. सुनो बेटा, हम माँ बेटी की मदद करने वाले तुम कौन हो? जी परदेसी हूँ, आज इस गांव में आया हूँ। तब तो तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं होगी। जी अभी तक तो नहीं। अगर तुम चाहो बेटा तो तुम्हें यहाँ जगह भी मिल सकती है और नौकरी भी। जी मुझे जगह भी चाहिए और नौकरी भी। थैंक यू। इंस्पेक्टर, आखिरी बार पूछता हूं मैं, बता दे वरना तेरी बीवी जान से जाएगी। मैं सच कहता हूं, हम उदय सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते। छोड़ दे राधा को। छोड़ दूं? राधा,
हराम सादे कुत्ते, जिस दिन तू मुझे मिल गया वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। आपकी गन मेरे पास है। लाइए मेरी गन, मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं नहीं चाहती आप जैसे भले आदमी के हाथों किसी का खून हो जाए और पुलिस आपको पकड़ कर ले जाए। देखिए, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कुछ तलख तजुर्बात होते हैं जिसका हिसाब किताब खुद चुकाना चाहता है, और अपनी निजी जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। लाइए मेरी गन, मुझे दे दीजिए। तो ये भाग लिए, अब मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा फटाफट। और इसे पकड़ने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और मुझे? हाँ हाँ, एक तो डाकू खतरनाक है और इनाम ज्यादा, इसके तीन हिस्से कर लेते हैं। अच्छा, तीन हिस्से? हाँ, एक तुम्हारा, एक मेरा और एक अपने इस कड़े का। मुंगी लाल की औलाद ढोलक राम बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? वैसे नाम तो भोले हैं, लेकिन लोग डर से मुझे शोले कहते हैं। मुझे तो तुम छोले नजर आ रहे हो, और वो भी सड़ेले। लगता है बहुत दिनों से तुम नहाए नहीं हो। अबे लंबू क्यों लाल, मुंगी लाल, मैं देख लूंगा तुझे साला हेलिया, ए भोकड़िया, ए चिगड़िया, याद रखना मैं देख लूंगा तुझे। मेरा मजाक उड़ाता तू, साला तुझे भी देख लूंगा, याद रखना, तू भी ना, तू भी। ओए थोड़ा नमक ला। नाच बिना ठुमक के, सूप बिना नमक के, कुछ बात नहीं बनती। चम्मच से हिला ले, चल। जब बात ही बनानी है तो जरा तीखी और तेज बना दे, मिर्ची भी डाल दे रहे। शाबाश शाबाश पी ले पी ले। नाम तेरा नाम और निशान बचा दूंगा, बड़ी आसान मौत मर जाएगा। मुर्गे की तरह भून डालो इसे, आग लगा दो इस ढाबे को। देख देख, कसम मुर्गे की तरह फड़फड़ा रहा है, बड़ी गर्मी लग रही है। बाहर निकला तो गोलियों से भून दूंगा।
अरे अब क्या हुआ तुझे? अब बच्चू पता चलेगा मैं शोले हूं या छोले हूं। मैंने कहा था आपसे कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। भाई तुम तो वाकई बड़े काम के आदमी हो। तो हो जाए तीन हिस्से? तीन नहीं, चार। चार? चौथा कौन है? चौथा मेरा घोड़ा। यानी कि 50-50 रहा है। देखिए लगता है दोनों सोना सिंह के आदमी। क्या हुआ भाई? अरे शंकर भैया देखो तो, इतना सामान कहाँ से आया? यह सब आपकी नजर है। हमारी नजर? जी हाँ, मैं पहचान गया आप सोना सिंह के गिरोह के आदमी हैं। खामोश, हम सोना सिंह के आदमी नहीं हैं। नहीं है क्या? सोना सिंह के आदमी नहीं है? तो उठा उठा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे इसे क्यों ले जा रहे हो भाई? अरे छोड़ जाओ ना, जाओ ये खटिया भी ले जाओ। तुम्हें ये कहने की जरूरत क्या थी कि हम सोना सिंह के आदमी नहीं है? माल आता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? माल अच्छा लगता है लेकिन मुफ्त का माल नहीं। मुफ्त का माल नहीं साला। पिएगा क्या? दो विस्की, एक पटियाला पैग और एक घोड़ा पैग। यहां गधों को शराब नहीं मिलती। गधा? गधा कौन है? देखा आपने, ये गधा नहीं घोड़ा है। घोड़ा? मैं उसकी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं। ए, ज्यादा अनशन बोला ना तो जमीन से 9 इंच ऊपर कर दूंगा। 9 इंच? ए, साथ को नीचे रखिए, इसे तो मैं ऊपर ऊपर उड़ जाऊंगा। विस्की देता हूं, अभी देता हूं।
सर दिस इज लुधियाना पैक और दिस इज पटियाला पैक। सर जस्ट मिनट, सर आपने वो 9 इंच वाली बात की थी ना, 9 इंच उठाने वाली, अपने पास एक ऐसी ड्रिंक है जो 18 इंच ऊपर उठा दे, वो लेंगे? अभी देता हूं। दो गिलास तोड़े, दो विस्की गिराई, 50 रुपए निकाल। सस्ता है भाई। भाई साहब 100 रुपए मेरे को भी दो। किस बात के? ये दो गाल मेला तोला। दिखा तो तेरी। हाँ साहब, हाँ साहब, आप थोड़ी देर के लिए वहां बैठ जाइए। क्यों? पर 2 मिनट के लिए, मैं जल्दी आपको बुलाता हूं। बैठ जाइए। कमाल है, जल्दी आ जाओ भाई। चल भाई तू भी लाइन में बैठ जा। चल भाई तू भी आ जा। अरे साहब आप बैठिए, आपका नंबर बाद में आगा। अच्छा साहब, आपकी हजामत पहले कर देता हूं। लीजिए, आपका काम हो गया साहब। अरे पागल हो गया है क्या? ये नाटक की ड्रेस पहन के क्यों आया है? बापू ये शादी का ड्रेस है, मैं पारो से शादी कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ, ये तेरी शादी करने की उम्र है क्या? देख अभी तक तेरा पजामा नहीं चिकसक रहा है। ये तो शादी की खुशी में खिसक रहा है बापू, मैं पारो से प्यार करता हूँ ना। नहीं, पारो मेरी बीवी बनेगी। यजमान। क्या बात है पंडित जी? जब एक वधू के लिए 2 वर हो तो फैसला तलवार करती है। ठीक है तो देख तलवार की धार। बापू फिर वही फांसी? हाँ तुम? जी मैं। लगा लो लगा लो। तुम क्या समझते हो मैं खुशी से फांसी लगा रही हूँ? मैं मजबूर हूँ। क्यों? वो बाप बेटा दोनों मुझसे शादी करना चाहते हैं। एक बार पहले भी तुमने मुझे बचाया था, इस बार भी बचा लो। कभी नहीं। अरे बापू पिद्दी पिद्दी का छोरबा। Zalzala, Zalzala,
दुनिया के तीरों से चलती शमशीरों से तुझको बचा के मलाया मेरा जिगर देख दिल देख मेरा तू कब से ये दिल तुझ पे आया सिंह पकड़ा गया क्या? नहीं साहब अभी तक तो नहीं पकड़ा गया। तो फिर ये पोस्टर्स किसने फाड़े हैं? एक आदमी नया नया आया है, वो होटल में रहता है, वो बोलता है कि सोना सिंह को वही पकड़ के दिखाएगा, उसी ने पोस्टर फाड़े हैं। हम भी देखें सोना सिंह को पकड़ने वाली हस्ती कौन है। इंस्पेक्टर साहब आप तो मुझे पुलिस में भर्ती होने को कह रहे थे, आप खुद पुलिस की नौकरी छोड़कर गुंडे पकड़ने शुरू कर दिए, क्यों? इनाम का लालच? महाशय अपना नाम और पता बता दो। जिस दिन सोना सिंह काबू आ गया इनाम की रकम तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। बेनाम दूसरों का मारा हुआ शिकार नहीं खाता इंस्पेक्टर। लेकिन सोना सिंह का ख्याल दिमाग से निकाल दो। नहीं,
उस कुत्ते के आदमियों ने एक बार मुझे आग में जलाकर मार डालने की कोशिश की थी। उस आग की तपस से आज तक मेरा तन बदन जल रहा है और ये आग सोना सिंह के खून से ही बुझे। नहीं, वो गोली सिर्फ मेरे पास है जिस पर सोना सिंह का नाम लिखा है। और मेरे पास सिर्फ गोलियां ही गोलियां हैं जिस पर सोना सिंह जैसे कई लोगों के नाम लिखे हैं। सोना सिंह के बारे में खबर देना और गांव के सारे लोगों की जिंदगी खतरे में डालना। नहीं सोना सिंह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मेरी मौत आई है तो मैं पुलिस को खबर करूंगा? ऐसा क्या, तो फिर मुझे खबर दे दिए वो इंस्पेक्टर कहां है। बोलता है या बताता हूं, बताता हूं। वो उस होटल में रहता है वो। आवाज बंद, उतना ही बोल जितना मैं पूछूं। इंस्पेक्टर कहां है? मुझे नहीं मालूम। हीरा, इंस्पेक्टर शिव और बेनाम दोनों जहां छुपे हो सामने आ जाओ, वरना इस लड़की के साथ साथ इस सारे गांव को बारूद से उड़ा दूंगा। डाकू जी महाराज, आप इस लड़की को छोड़ दीजिए, आप इस गांव को भी छोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूं इंस्पेक्टर कहां है। कहां है? वो सामने वाला मकान है ना, उसके अंदर है। Ah!
किसने मारा आपको? मैं अपने वंश वालों के सोने के लालची सपने पूरे नहीं कर सका। ये खून मेरे प्रति उनका सम्मान है। मैं घोड़ा लेकर आता हूँ और आपको ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मेरा अंत समय आ गया है। ये भी भगवान शंकर जी की कृपा है, आशीर्वाद है कि मरते समय तुम मुझे मिल गए। मैं शिव जी का सोने का मंदिर तुम्हारे हवाले करके जाना चाहता हूँ। सोने का मंदिर? हाँ, सैकड़ों साल पहले महाराज हर्षवर्धन ने उसे बनवाया था। तब से आज तक हर महाशिवरात्रि को वहाँ पूजा होती रही है। बेटा बेटा, इस बार तुम्हें वहाँ पूजा करनी होगी। कहाँ है वो मंदिर? यहाँ से 30 मील जाओगे तो चंडी घाटी आएगी। वहां से उत्तर की तरफ बढ़ते जाना, वहां तुम्हें शेषनाग की बहुत बड़ी चट्टान मिलेगी। महाशिवरात्रि की सुबह ये शंख तुम वहां बजाना, शिव शंकर तुम्हें मार्ग दिखा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा, तो दादाजी चल बसे, यानी अब सोने के मंदिर का रास्ता सिर्फ तुम जानते हो। कौन सा मंदिर? मैं कुछ नहीं जानता। बता दे मंदिर का रास्ता, नहीं तो तेरी भी अर्थी यही चला दूंगा। रुक जाओ साहब, मैं इसे देख लेता हूं। Yeah!
रेशमा दादाजी मरते वक्त से मंदिर का रास्ता बता गए हैं और यह हमें मंदिर का रास्ता पता नहीं रहा। मंदिर का रास्ता मालूम है तो बता दे, मैं तुझे भी कुछ हिस्सा दिलवा दूंगी। मुझे किसी मंदिर का रास्ता नहीं मालूम। सच? बेचारे को सचमुच रास्ता नहीं मालूम, वरना अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालता। ए, इधर भी तो देखो, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक आए हैं। छोड़ दो इसे। चलो। तुम यहां? हां, मैं। अरे रे, तेरी तकदीर में तो राज करना लिखा है, मजदूरी नहीं। ये देवताओं जैसा चेहरा, ये फौलादी जिस्म, ये चौड़ी छाती और तुम्हारी होशियारी का भी जवाब नहीं। मतलब साफ है, कल अगर उन लोगों के सामने सोने के मंदिर का पता बता देता तो कितने हिस्से करने पड़ते। अब तो सिर्फ तुम और मैं, आधा आधा। बड़ी अच्छी स्कीम लेकर आई हो। वैसे भी सोना खूबसूरत लड़की के जिस्म पर ही अच्छा लगता है। तू अपने हाथों सजा देना मुझे, जी भर के सजा देना। भगवान का वो सोना तेरे जैसी नागिन के जिस्म पर सजने के लिए नहीं है। चले यहां से, वरना सोना पाने की तेरी इस ख्वाहिश में यहीं कील मार दूंगा। कीला तो तूने अपनी किस्मत पर ठोक दिया है, मैं देखती हूं तू अकेला कैसे ले जाता है वो सोना। तुम? हवाओं से पैगाम मिला कि तुम यहां हो और दिल की धड़कनें तेज हो गई। इस बंजारन के कदम कब चल पड़े मालूम नहीं, मंजिल सामने पाकर रुक गए। इसका एहसास अब हुआ। तुम्हारा एहसास तुमसे दगा कर रहा है और तुम्हारी आंखें तुमसे धोखा। ये बरसों पहले वाला वही सिपाही है जिसकी मोहब्बत को एक दिन तुमने ठुकरा दिया था। रास्ते बदल सकते हैं, साथी बदल सकते हैं, मगर मंजिल, मंजिल कभी नहीं बदलती। ये देखो, तुम्हारी बहादुरी का तोहफा मैंने अभी तक अपने दिल से लगा रखा है। शंकर। रेशमा। उफ रेशमा, कितनी बदल गई हो तुम। तुम भी तो बदल गए हो। एक वक्त का बहादुर सिपाही चंद सिक्कों के लिए दो कौड़े के मुजरिम ढूंढता फिरता है। इसके पीछे एक मकसद है जो तुम नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ। पैसा हर इंसान की जरूरत होता है और मैं तुम्हारी वो जरूरत पूरी करने आई हूँ। कैसे? पहाड़ियों में छिपा सैकड़ों साल पुराना एक सोने का मंदिर है जिसके राजदार को मैं जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो वो सोने का मंदिर हमारा हो सकता है। लालची औरत, तुम आज भी वही हो जो बरसों पहले थी। तुम्हारी आंखों में दुनिया की सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, दौलत दौलत दौलत। अगर दौलत से इतना प्यार था तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई। चली जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। एक बात सुन लो, एक अकलमंद आदमी इस दुनिया में से दो ही चीज की कदर करता, औरत और दौलत। और आज तुमने दोनों को ठुकरा कर अपनी किस्मत के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जहां थे वही हो और जहां हो बस वही रहोगे।
बटुआ तुम्हारा है? हाँ। आज तक पुलिस वाला बन के मुझे धोखा देता रहा। बेनाम इन हाथों में बहुत जान है। ये हाथ इसलिए नहीं उठ रहे कि एक बार तूने मेरी जान बचाई थी। अगर मुझे तेरी असलियत का पता चल गया होता कमीने, तो मैंने तुझे उसी दिन मर जाने दिया होता। लेकिन लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। तो तुम जानना चाहते हो कि किसकी मौत किसके हाथों लिखी है? लॉकेट में ये फोटो कहां से आई? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। ये फोटो तुम्हारे बटुए में कहां से आया? ये मेरी बीवी की फोटो है। मगर उसे तो गुंडे उठाकर ले गए थे। गुंडे उठाकर नहीं ले गए थे, बल्कि राधा के चाचा ने उसे गुंडों के हाथों बेच दिया था, और मैंने उसे गुंडों के हाथों से बचाया। उसके बाद राधा और मैंने शादी कर ली। और तुम्हारे लॉकर में ये फोटो कहां से आई? मैं उसका भाई हूं। भाई? तो तुम शंकर हो? हाँ। इसका मतलब है कि चाचा ने मुझसे झूठ बोला कि राधा को गुंडे उठाकर ले गए। सारा कसूर मेरा था, जो मैंने राधा को चाचा की हिफाजत में छोड़ा। उनकी झूठी कहानी सुनकर मैंने फौज की नौकरी छोड़ दी, और तब से गुंडों को पकड़ के मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। खैर, मुझे मेरी बहन के पास ले चला, मुझे देखकर बहुत खुश होगी वो। खामोश क्यों? चलते क्यों नहीं? ले चलो पगले, राधा इस दुनिया में नहीं है। नो नो राधा, ये सब कैसे हुआ? सोना सिंह ने उसका खून कर दिया है। उस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं शंकर, नहीं। उसकी मौत अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको दूसरी बीवी तो मिल जाएगी, लेकिन मुझे दूसरी बहन नहीं मिलेगी। मुझे भैया कौन कहेगा? मैं कहूंगी। बचपन से ही भाई के प्यार को तरसती रही हूं। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी एक भाई भी मिल जाएगा। भैया, मैं राधा को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन जिंदगी भर आपको उसका प्यार देती रहूंगी। Thank you.
अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? यहाँ से कहीं दूर। हमारी सारी उम्मीदें तोड़कर? मैं अब झूठी उम्मीदें नहीं दे सकता माँ जी। आखिर बात क्या है बेटा? डर तो अगर चंद दिन और यहाँ रुक गया तो अपनी जिंदगी के मकसद से भटक जाऊंगा, इसलिए मेरा चला जाना ही अच्छा है। Chiki, aha! Boom, boom, chiki, aha! Sarah, hey! Sarah!
का शुभ दिन, आज का शुभ दिन। आज का शुभ दिन ऐसा है, तू मत करना इनकार। आज के दिन तो हो जाने दे जी भर के तू प्यार। छूके तुझको ओए ओए फूल बना दूं, ओए ओए छूके तुझको फूल बना दूं। ये जो बन खिल जाएगा आ जाएगा अंग अंग पे तेरे नया निखार। होली आई रे आई होली आई रे के आए तेरे द्वारे। अरे हम तो घोड़े पे भी चढ़ के आए तेरे द्वारे। तूने हमें लगाया चूना, रह गए तभी कवारे। अरे भैया लगा दिया ना चूना। अरे हम तो घोड़े पे भी चढ़ के आए तेरे द्वारे। तूने हमें लगाया चूना, रह गए तभी कवारे। अरे सहरा बांधा बैंड बजाया, सहरा बांधा बैंड बजाया, रात मिलन से पहले ही हाय बोल के तूने हमको दिन दिखाए तारे। होली आई रे आई रे आई होली आई। बची हूँ उस दूल्हे से। पर वो बाप बेटे तुझे कैसे घूर घूर के देख रहे थे। ये शादी का घोड़े के बिना नहीं हो सकती। मुझे क्या मालूम, खुद तो जोर जोर से गा रही थी कि घोड़ी पे चढ़ के आना, घोड़ी पे चढ़ के आना। वो तो मैं ऐसे ही। पर शादी तो ऐसे नहीं होती। शादी? किसकी शादी? तुम्हारी मेरे साथ। सच पारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खबरदार, इसके लिए दूल्हा मैं बना, सेहरा मैंने बांधा, टीका मैंने लगाया, और गले तू इसको लगाएगा। फलीते सिपाहियों, ये अलगार हो। ओ, तुम दोनों। हाँ, अगर मैं रहूंगा कंवरा तो तू भी कंवरा रहेगा। अगर मैं रंडवा रहूंगा तो इसे भी दुल्हन नहीं बनने दूंगा। लड़की हमारे हवाले कर दे। हमारी बंदूकों में भी नकली गोलियां नहीं है। काबुली चनों की तरह भून के रख देंगे। और मुझे इन चनों को चबा जाने की आदत है। पूछो कैसे कैसे। आज भाग गई तो क्या, सिप्पे सालार अभी मौजूद है। तू क्या चाहता है? वही जो तू चाहता है। ये कन्या मेरी है। तेरी हेरा फेरी है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तुझे इसके लिए मुझसे युद्ध करना होगा। मंजूर है। मंजूर है तो युद्ध की शर्त भी सुन ले। सुना? तू मुड़कर 10 कदम उस तरफ जाएगा, मैं मुड़कर 10 कदम इस तरफ जाऊंगा। मुड़ते ही जैसे 10 की गिनती खत्म होगी, हम दोनों एक दूसरे पर हमला करेंगे। जो जीत गया कन्या उसकी होगी। ठीक है तो मुड़ जा।
एक दो। ये क्या कर रहे हो दूल्हा? करने दे। तीन चार। अरे पागल मत बन, उसका निचाना बहुत तेज है। होने दे पाँच। अरे मारा जाएगा। सात। अरे वो तेरा भेजा उड़ा देगा। नौ दस। बस। अरे रे रे, मुझे नहीं चाहिए दुल्हन, ये तू ले जा, ये तलवार भी ले जा, मगर जालिम मुझे मेरे खानदानी जेवर दे दे, नहीं तो मैं जिंदगी भर कंवारा रह जाऊंगा रे। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये लो तुम्हारे जेवर। अरे मेरे जेवर? अरे इस जेवर के लिए तुझे शादी मुबारक, आने वाले साल के लिए तेरा बच्चा जो आए उसको शादी मुबारक, और मुझे भी शादी मुबारक, दुआ कर मुझे दुल्हन मिल जाए। चलाओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। चलाओ। डरो मत, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। हमें जरूरत तुम्हारी नहीं, उस इंस्पेक्टर की है जो तुझे बचाने हमारे पास जरूर आएगा। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। खबरदार, छोड़ दो लड़की का हाथ। उस इंस्पेक्टर से बोल देना शाम 4 बजने से पहले अकेला चंडी घाटी आ जाए, और अगर नहीं आया तो इसकी लाश को यहाँ भिजवा दूंगा। चल मेरी पिलपिली। हाँ बेटी। ये क्यों हुआ? ये खून कैसा? शीला, शीला, शीला कहाँ है? शीला को सोना, सोना, सोना सिंह के आदमी उठा कर ले गए। तुम्हें 4 बजे अकेले में चंडी घाटी पर बुलाया है, नहीं तो वो शीला को जान से मार डालेगी। बेटा शीला को? शीला को कुछ नहीं होगा माँ जी। मुझे वचन दो कि तुम जी। हाँ माँ जी, मैं शीला को बचाऊंगा। भाई साहब देर हो रही, हमें जल्दी जाना चाहिए। भाई साहब देर हो रही है, चलिए ना, कमाल करते हैं आप। मिस्टर सोना सिंह, उन लोगों ने मुझे अकेले बुलाया है। उनके बुलाने ना बुलाने से फर्क क्या पड़ता है? आप वहां अकेले कैसे? आप कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। आप अंदर चलिए। अरे कमाल करते हैं आप। अरे भाई साहब दरवाजा खोलिए। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलिए भाई साहब। हे तूफान, इधर इधर। सुन सुन, उस इंस्पेक्टर का पीछा कर और पता कर कि किस जगह गया। आओ आओ इंस्पेक्टर, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? होशियारी करने से पहले जरा ऊपर देख लो। हमारी बात नहीं मानोगे तो रस्सी कट जाएगी। लड़की नीचे पत्थरों पे और उसकी मौत तुम्हारे सर पे। ये क्या लेकर घूम रहा है? ये क्या है रे हीरा? भगवत गीता। ऐसा क्या?
क्या लिखा है इसमें? तेरी मौत। वो तेरे लिए लिखा होगा, मेरे लिए क्या लिखा है अभी पढ़ता हूं। अगर मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। ठीक है, हम अपनी मौत को अपने पास रख लेते हैं। क्या चाहते हो? वही सोने का मंदिर जिसका रास्ता उदय सिंह मरते वक्त सिर्फ तुम्हें बता गया था। कौन कहता है कि मुझे रास्ता मालूम है? मैं कहती हूं। सोना सिंह, इंस्पेक्टर और शीला दोनों वहीं हैं। इसका माने कि उन दोनों की जिंदगी खतरे में है, लेकिन हम उन्हें ढूंढने का। मैंने तूफान को भेज दिया है, वो पता करके आते ही होगा। चलो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वहां नौटंकी नहीं चलने वाली, गोलियां चलेंगी, गोलियां। जान को खतरा हो सकता है। तब तो मैं जरूर चलूंगी। चलो। ये धुआं सबूत है इंस्पेक्टर कि सोना सिंह यहीं था, और अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। चलो। रुक जाओ सब, आज हम यहीं ठहरेंगे। हेमा जी, तुम उस पहाड़ी पर जाकर पहरा दो। बहुत अच्छा सरदार। ओ शिवा, प्यासी है बेचारी, पिला दो। मेरी मां कैसी है? शीला, इन लोगों ने तुम्हारी मां को मार दिया है। डरो नहीं शीला, जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरी हिफाजत में रहोगी। सरदार, एक आदमी सफेद कपड़ा हिलाता हुआ इधर आ रहा है, गोली मार दूं? नहीं, आने दो उसे, हम देखना चाहते हैं कि कौन हमारा पीछा कर रहा है। बेनाम, ए बेनाम, तू यहां क्या करने आया है? हमने सुना कि जहां तुम जा रहे हो वहां बहुत सोना है, इतना सोना है कि तुम उठा नहीं सकोगे, इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हारी थोड़ी मदद करते हैं। तुम्हारी मदद लेने से पहले मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। एक ही गोली चलेगी और सैकड़ों गोलियां पुलिस की तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी। पुलिस? हाँ सोना सिंह, पहाड़ी के उस तरफ पुलिस ही पुलिस है। ए भीमा, जरा देखना पुलिस है कि नहीं नीचे। सरदार, बहुत सारी पुलिस है वहां। ऐसा क्या? चलो ठीक है, थोड़ा सोना तू भी पेट्रोल लेना, आ जा। अरे ऐसे नहीं सोना सिंह। तो फिर हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि सारी बंदूकें तुम्हारे हवाले और सारी कारतूसें हमारे हवाले। हम भी बेबस, तुम भी बेबस। ऐसा क्या? ऐसा। दिमाग में मक्कारी भरी है साली की। सब लोग बंदूकें खाली कर दो। सफर कल सुबह शुरू करें। अगर पहाड़ी के उस पार पुलिस है
तो सफर यही खत्म समझो सोना सिंह। क्यों? आगे जाने का रास्ता यही है। सोना सिंह रास्ता बदल देगा, मंजिल नहीं। जाना कहां है? काली घाटी। काली घाटी तक रास्ता हम बताएंगे, वहां से आगे तुम बताओगे। सोना सिंह, इस पुल पर से घोड़ों के साथ क्रॉस करना खुदकुशी है। पुल पार नहीं करेंगे तो सोना कैसे मिलेगा शिव? यही तुम्हारी तमन्ना है तो आगे बढ़ो। चलो। ऐसा क्या? में से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आ रही है। जरूर सोना सिंह होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स मूव। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लालची कुत्ते, मैंने तुमसे कहा था ना कि पुल पर से गुजरना डेंजरस है। हाथ से निकल गए। कैसी अभागिन हूं मैं, बहन बनी और अपने भाई की जान खतरे में डाल दी।
कोई खतरा ऐसा नहीं जिसे निकला नहीं जा सके। हम निकलेंगे और जरूर निकलेंगे। सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो। इस मौत के सफर में आप क्यों साथ आ गए? मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाने के लिए। भारी हाथ वाले भाई साहब, जब शंकर शिव और भोले साथ में हैं, तो मौत भी मुंह मोड़ लेगी। से एक आदमी भी मरा तो मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। हां, अपने आदमी से कह देने छोड़ दें इन दोनों को। एक बात और सोना सिंह, कोई आदमी किसी लड़की को तंग नहीं करेगा। सुना तुम सबने? चलो जाओ, सो जाओ सब। मैं जानती हूं तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, और मैंने भी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और किसी से प्यार नहीं किया। नहीं, तुम छलावा हो, धोखा हो, तुम प्यार करने के काबिल नहीं हो। जानती हो तुम्हारी जरा सी लालच ने कितने लोगों की जिंदगी दांव पे लगा दी है। मुझे लालच क्यों है कभी पूछा तुमने? जब मैं छोटी थी तब चार मुट्ठी चावल के लिए मेरी माँ को अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा। उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे एक बात बोली कि बेटी, एक अकेली गरीब लड़की अगर खूबसूरत हो तो जिंदा रहने के लिए दौलत में तुलने के सिवा और कोई चारा नहीं। मैं खूबसूरत तो हूं, लेकिन मैं वैश्या नहीं बनूंगी। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तुम लोग, तो रेशमा के साथ उस आदमी को भी मेरे पास भेज दो
जिसे उस मंदिर का रास्ता पता है। तुम्हें रेशमा चाहिए तो ले जा सकते हो। नहीं, मुझे वो इंस्पेक्टर भी चाहिए। सोना सिंह, अगर इंस्पेक्टर मारा गया तो सोना तुझे कभी नहीं मिलेगा, और अगर तू मारा गया तो सोना मिले या ना मिले एक बराबर। इसलिए मैं कहता हूं अब भी वक्त है, बंदूकें और गोलियां बांट लो आपस में फटाफट। ये बिल्कुल सही कह रहा है, पहले तो हम लोगों का जिंदा रहना जरूरी है। देखो तुम लोग चालाकी करने का, ये वक्त है दूसरे पर शक करने का नहीं है। उनसे कह दो कि रेशमा इंस्पेक्टर आ रहे हैं। हाय, हमें कैसे विश्वास आए कि इंस्पेक्टर और रेशमा को भेजने के बाद तुम हम पर वार नहीं करोगे? तुम्हें क्या विश्वास चाहिए? जैसे ही इंस्पेक्टर और रेशमा तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे, हम अपने साथियों को लेकर पीछे की तरफ बढ़ेंगे, और तुम्हारा कोई आदमी हमारा पीछा नहीं करेगा। मंजूर? ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, हम इंस्पेक्टर और रेशमा को भेज रहे हैं।
इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा शिव, खत्म कर दो उसे। ऐसा क्या तुम लोगों ने सोना सिंह को इतना अनाड़ी समझ रखा है? मुझे मालूम था कि कभी ना कभी ये चालाकी तुम लोग जरूर करोगे। चुपचाप अपने अपने बंदूक फेंक दो, फेंको। ए, आज के बाद सारी बंदूकें भी हमारे पास और गोलियां भी हमारे पास। चलें, चला। हमारी मंजिल मिल गई। मंजिल? सोने का मंदिर कहाँ है? सोने का मंदिर, कल शिवरात्रि है, सूरज की पहली किरण हमें रास्ता दिखाएगी। मैं तो 4-5 बोरियां साथ में लाया हूं, सब सोने से भर के ले जाऊंगा। लेकिन सरदार, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सोने का मंदिर है भी या नहीं। है और जरूर है, जब से इसके बारे में हमने सुना है तब से मेरी आंखों के सामने नाच रहा है, और हमें ज्यादा नहीं 30-40 किलो मिल जाए बस अपना जीवन सफल हो जाए। मिल जाएगा। मंदिर पहुंचते ही जैसे सोना सोना सिंह के हाथ लगेगा, वो हमें खत्म करने की कोशिश करेगा। देखो, हम यहां मरने के लिए नहीं आए, जैसे भी हो हमें सोना सिंह को खत्म करना है। तुम फिक्र मत करो, हम सब तैयार हैं। रोशनी क्यों? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। वो देखो, देखो। We'll be right back.
देख, सोना ही सोना। इस महाशिवरात्रि को तुम्हें वहां पूजा करनी होगी। ए पकड़ो, सोना ही सोना, आज के बाद मेरा बिस्तर सोने का, मेरा घर सोने का, सारा शहर सोने का, वैसे ही जैसे सोने की लंका थी रावण की। ये सब मेरा है, 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 सब मेरा है। शंकर शंभु जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभु शिव शंकर शंभु जय गिरिजापति भवानी शंकर नमामि शंकर शिव शंभु शिव शंकर शंभु शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो में जब तक सच के लिए लड़ेंगे एक साथ तन में जब तक सच के लिए लड़ेंगे मर जाएंगे हम या तो बापी को मार देंगे मर जाएंगे हम या तो बापी को मार देंगे धन के पुजारियों के आगे न हम झुकेंगे पुजारियों के आगे न हम झुकेंगे सोने के तराजू में इंसान को न तोलेंगे
अच्छा कहीं मरना है, बूंदा फ्री लहू की तुझ पे ही वार देंगे, बूंदा फ्री लहू की तुझ पे ही वार देंगे, मर जाएंगे हम या तो बापी को मार देंगे, मर जाएंगे हम या तो बापी को मार देंगे। विषपान किया तूने, हम भी जहर पिएंगे, धरती से पाप का हम बोझा उतार देंगे, धरती से पाप का हम बोझा उतार देंगे, मर जाएंगे हम या तो बापी को मार देंगे, मर जाएंगे हम या तो बापी को मार देंगे। हाँ, मर जाएंगे या पापी को मार डालेंगे हैं? हम तो वो पापी हैं जो मौत को भी नंगा कर देते हैं। अरे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी मुझे मार नहीं सकता। बाहर ले आओ सबको। मोती, मुझे लगता है इन लोगों की मौत के साथ मेरा ही नाम जुड़ा हुआ है। हेरा, ये भी सोना ले जाएगी? कैसे ले जाएगी? रेशमा! नहीं रेशमा, मत छुओ उसे। क्यों नहीं, मैं अपना हिस्सा ले रही हूँ। तुम लोगों को यहाँ मैं लेकर आई हूँ। इस सोने के मंदिर का रास्ता तो मैंने दिखाया तुम्हें, तो क्या मेरा हिस्सा कुछ नहीं बनता? भाई, इसका हिस्सा तो बनता है। क्यों मोती? ता तो है, पर कितना? इसका फैसला इसका आशिक। रेशमा, तेरे आशिक के मुंह पर मेरा भाई मोती एक भूसा मारेगा और उसकी कीमत तुझे एक मुट्ठी सोना मिलेगी। एक भूसे के बदले एक मुट्ठी सोना, मगर सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारा आशिक अपने पांव पर खड़ा है। जैसे वो गिरा, तुम्हारा हिस्सा खत्म। तुझे सोना चाहिए ना? उठा ले जितना सोना उठा सकती है। नहीं शंकर, ये लड़की तो पागल है। तुम्हें पागल हो गया क्या? आज मैं इसके पागलपन की इंतहा देखना चाहता हूं। आज तो अपने जिंदगी भर की भूख मिटा ले, उठा ले सारा सोना। ये मेरा वादा रहा, जब तक तू सोना लेकर जगह छोड़ नहीं देती, शंकर के पांव जमीन नहीं छोड़ेंगे। उठा ले। Thank you.
रेशमा, मेरे तुम्हें बहुत दुख दिया ना शंकर। नहीं रेशमा, मैं जानता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, मैं जानता था। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा था जो मैं तेरे प्यार का असली रूप नहीं देख पाई। कितनी बदकिस्मत हूं मैं कि आज जब आंखें खुली तो जिंदगी जिंदगी अपने दरवाजे बंद कर रही है। रेशमा, रेशमा, मुझे माफ कर दो। हरामजादे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंकर, ओम नमः शिवाय। शंकर, ओम नमः शिवाय। भैया, ओम नमः शिवाय।
मोदी मोदी भैया भैया सोना सिंह रुक जाओ नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा रुक जाओ मैं कहता हूं रुक जाओ ऐसे तरपा तरपा कर मारूंगा कि मौत भी तेरी लाश को देखकर कांप उठेगी तू भगवान का सोना लूटने आया था कुत्ते ये ले तू सोने के बिस्तर में सोना चाहता था ये ले तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत सोना थी ना सोना सिंह आज मैं तुझे सोने में दफन कर दूंगा ये ले शंकर शंकर नो शिव जलजला आ गया है तुम लोग अपने आप को बचाओ शंकर तुझे कुछ नहीं होगा चल चल हमारे साथ you
शंकर, शंकर, अपना साथ एक कदम दो। शंकर नहीं। भैया। भाई का फर्ज अपनी आंखों के सामने बड़ी धूम धाम के साथ निभाना चाहता था, लेकिन बड़ा बदनसीब हूं मैं, राधा को भी टोली में नहीं बिठा सका और तुझको भी टोली में नहीं बिठा सकूंगा। नहीं भैया, सब कुछ उल्टा हो गया मेरी बहन, सब कुछ उल्टा हो गया मेरी बहन। शिव, शंकर, शीला का ध्यान रखना। हाँ शंकर। हाँ शीला का भैया। शंकर, और इस तरह भगवान शंकर का वो सोने का मंदिर धरती में समा गया, ताकि फिर कोई भी लालची उस मंदिर को लूटने की कोशिश ना करे।